अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाऊंगी आज बनाना मिल्क और स्ट्रॉबेरी मिल्क। और जैसा कि स्ट्रॉबेरी का सीज़न अब तकरीबन ऑफ होने ही वाला है, तो रमज़ान के लिए अगर हम थोड़ा सा सेव करके रख लें और इससे फ़ायदा उठा लें तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल रहेगा। रेसिपी जो है ये मैं स्टार्ट करती हूँ। जो स्ट्रॉबेरीज हैं अच्छे से आप ले लें और इसको साफ़ कर लें, वॉश कर लें। मैंने इनको वॉश कर लिया अच्छे से। अब इनके ये जो हैं स्टेम वगैरह ये सब मैं काट दूँगी, साफ़ कर दूँगी इसको। तो स्ट्रॉबेरीज को मैंने साफ़ कर लिए, अब इसको मैं बिल्कुल बारीक कट कर लूँगी और तकरीबन 100-120 ग्राम होंगी ये, और हाफ लीटर जो है मिल्क उसमें मैं ये ऐड करूँगी। अभी हम सिर्फ इसको कट करेंगे और थोड़ी टाइम के लिए हम शुगर जो है इसमें डाल के, शुगर जब तक डिसॉल्व हो जाए हम इसको बाहर ही रखेंगे रूम टेम्परेचर पे। इस तरीके से आप सारी स्ट्रॉबेरीज जो हैं इनको कट कर लें छोटा छोटा। इस तरह से बिल्कुल छोटे चंक्स में मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को काट लिया है। याद रहे कि ये मिल्क शेक नहीं है, ये स्ट्रॉबेरी मिल्क है और इसके लिए इसमें चंक्स जो हैं वो रहना चाहिए। मैं इसको एक बोल में डाल दूँगी, इसमें फिर सिर्फ मैं शुगर ऐड करूँगी। ये ब्राउन शुगर मैं इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दी, और इसको मैं अच्छे से मिक्स करके कवर कर दूंगी। ये हेल्दी ड्रिंक है, रमज़ान में आप इसको इफ्तारी में, सहर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह नाश्ते में बच्चों को आप दे सकते हैं, स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनको दे सकते हैं आप। अब मैं बनाऊंगी बनाना मिल्क। इसके लिए 2 बनाना, अगर बड़े साइज़ का है तो 1 ले लें, और अगर छोटे साइज़ के हैं तो मैं ये 2 ले रही हूँ। ये तकरीबन 500 ml के लिए काफ़ी होगा, हाफ लीटर मिल्क के लिए। तो इस पर मैं ये इसको मैश कर लूँगी। one eighth cup है ये शुगर जो है, पाउडर शुगर मैंने इसमें डाल दी है। इसके साथ ही मैं इसको मैश कर लूँगी, इस तरह से ये जो है काला नहीं पड़ेगा। बस अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं। ये मैं डाल रही हूँ एक जग में। इसमें मिल्क ऐड कर रहे हैं और मिक्स कर लेते हैं इसको। दो बनाना स्मॉल मैं और लूंगी, अगर आपके पास 2 बड़े साइज के हैं तो 1 आप मैश करके डालेंगे और 1 आप चंक्स में काट के डालेंगे। इसमें आप आइस क्यूब्स डालें या इसको फ्रिज में ठंडा करें, और रमज़ान में सुबह इफ्तारी में या शाम को इफ्तारी में या सुबह सहरी में इसको इस्तेमाल करें। ये बहुत हेल्दी ड्रिंक्स हैं और नेचुरल ड्रिंक्स हैं।
नेचुरल ड्रिंक्स जो है नेचुरल ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करें, और नेचुरल जो फ्रूट या फ्रूट ड्रिंक्स हैं वो यूज़ करें। रमज़ान के लिए सहरी और इफ्तारी के लिए सुबह बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट के लिए ये बहुत ही हेल्दी और यम्मी ड्रिंक्स हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप बनाएं तो आप मेरे साथ रेसिपी और ये अपनी जो है पिक्चर है वो शेयर कर सकते हैं, और मेरे पेज को लाइक करें शेयर करें। ये बॉटल्स में मैंने बच्चों की अट्रैक्शन के लिए डाला है, ऑल्दो ये बहुत यमी और हेल्दी ड्रिंक है और बॉटल में ये बच्चों को बहुत ज़्यादा इस तरीके से अट्रैक्टिव लगता है, तो इसलिए प्रेजेंटेशन जो है बच्चों के हिसाब से मैंने की है। ये जो बॉटल्स हैं इनको आप फ्रिज में रख सकते हैं और 2 दिन तक ये आराम से फ्रिज में आपके पास रह सकती हैं, किसी टाइम भी फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आएँ तो आप मेरे वीडियोस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।